कभी यहाँ से मेरी हिंदी शुरू होती है क्योंकि मेरी लाइफ में इंग्लिश उतनी है जितनी खोपड़लाल के पास कोई फीमेल कैरेक्टर है तो ये मेरा पहला स्टैंड अप शो है और मैं बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ साला आज पता चला संदीप महेश्वरी का वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर ही अच्छा लगता है तो जब मैं 12वीं कक्षा में था तो बोर्ड की एग्जाम दे रहा था तो मेरा इंग्लिश का पेपर था एक जगह पे आके रुक गया उसमें मैं ऐसे लिख रहा था ऐसे था व्हाट आई डॉक्टर ग्रामर को इग्नोर करना तो उसमें एक जगह पे आके मैं अटक गया क्योंकि मुझे ना न्यूमोनिया का स्पेलिंग लिखना था तो मुझे न्यूमोनिया का स्पेलिंग आता नहीं था तो मैंने अपने पीछे वाले दोस्त गणेश को पूछा भाई न्यूमोनिया का स्पेलिंग बता दे तो थोड़ी देर के बाद बोलता है भाई लिख NEWMONIY मैं क्या क्या बोल रहा है न्यूमोनिया का स्पेलिंग पीछे शुरू होता है कितना इंग्लिश आता है तो बोला अच्छा मतलब आपको भी अभी मुझे पता चला होगा किसी को कि अच्छा निमोनिया का स्पेलिंग पीछे शुरू होता है मैं कहा हाँ तो बोलते थोड़ी देर बाद फिर से आया भाई लिख PWMONIY मैं कहा भाई क्या कर रहा है तेरे को पता नहीं था तू किधर से लाया स्पेलिंग तो बोलता है मैंने खुद बनाया अच्छा खुद बनाया किधर से तो बंदे ने उसका क्वेश्चन पेपर आगे कर दिया निमोनिया के साथ अलग स्पेलिंग लिखे हुए थे जिसमें से 5 ए से शुरू होते थे और 2 पी से शुरू होते थे मतलब अगर कोई मेरी जगह पे कोई लड़की होती ना तो पक्का इन पे चल जाती वो बढ़िया स्पेलिंग में भी वैरायटी दिखा रहा था तो जैसे जैसे मैंने 12वीं कक्षा क्लियर की फिर मैं कॉलेज की वो एंट्रेंस होती है ना उसमें गया साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने तो बंदा फॉर्म भर रहा है फिर एक जगह आती है वो अटक गया मीडियम का कॉलेज था इंग्लिश या गुजराती तो बंदा खुशी से गुजराती लिख रहा था मैं कहा भाई क्या कर रहे हो क्यों क्या इंग्लिश लिखना है तो बंदे ने मुझे ऐसा लुक दिया मानो उसी के कॉर्पोरेशन मुझे कई रंगे हाथों पकड़ लिया हो फिर उसने मेरी मार्कशीट देखी मेरी मार्कशीट में इंग्लिश में प्लस 7 लिखा हुआ था यार वो मेरी मार्कशीट देख के खुद के बाल नोचने लग गया वो बंदा डिप्रेशन में चला गया फिर बोलता है इंग्लिश करना है मैं कहा हाँ पक्की बात है अरे लॉक हो जाए मैं कहा भाई डर है क्यों कर दो लॉक अमिताभ बच्चन 4 ऑप्शन दे रहा है वो मुझे 400 ऑप्शन दे रहा था फिर कैसे तैसे करके मैंने वो भी क्लियर कर दिया तो ऐसा था मेरा पहला एक्सपीरियंस था सब और अभी इंडिया ना एक एक्सपीरियंस है इंडिया का पूरी दुनिया एक एक्सपीरियंस कर रहा है कोरोना वायरस पता है ना कोरोना वायरस वो कृष्ण का वीओ कवर ने बनाया था भाईजान से बदला लेने हाँ भाई मतलब सब जगह फटी पड़ी है सब देशों की कोरोना एंटीडोट बन रहा है पर हम इंडिया वाले क्या करें गो कोरोना अबे तेरे ताऊ जी का लड़का नहीं है कि बोलने का चला जाएगा तो और इसके बीच ना एक कम्युनिटी ऐसी है जिनके बड़े मजे है इंडियन नेमर्स मतलब वो कोरोना पे व्यूज बनाए जा रहे हैं अभी परसों आया था कोरोना वायरस इतना जल्दी नहीं फैलता जितने इंडियन नेमर्स कोरोना के खिलाफ व्यूज फैला रहे हैं मतलब अगर कोई नेमर मिल जाए तो मुझे उससे पूछना है भाई तू बचपन में क्या माउंटेन ड्यू पी के बड़ा हुआ था माउंटेन ड्यू बोलना 150 रुपये प्रमोशन